धार्मिक आस्था का प्रतीक बन चुके हिमालय की तीर्थ यात्राओं का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, लेकिन तकरीबन सभी धार्मिक स्थलों पर सर्दियों में बर्फ की वजह से आवाजाही बंद हो जाती है, जो अप्रैल माह में शुरू होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे। इसका नाम है बाबा अमरनाथ। कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन इस साल यह यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन कब से यह यात्रा शुरू होगी और अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अभी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे पुराने वीडियोस देखें जो आपको पसंद आएंगे। इन वीडियोस को शेयर करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। आइए अब आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान शिव का प्रमुख धार्मिक स्थल है अमरनाथ गुफा। इस गुफा हर साल सर्दियों में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यही टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। हालांकि इस शिवलिंग का आकार घटता बढ़ता रहता है। यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। लेकिन शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड भी बनते हैं। अमरनाथ समुद्र तल से 3600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप अमरनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जम्मू पहुंचना होगा। जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के बाद आप अलग अलग रास्तों से अमरनाथ पहुंच सकते हैं। या तो श्रीनगर से आप पहलगाम पहुँचें या बालटाम पहुँचें। बालटाम से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यह रास्ता खड़ी चढ़ाई व मुश्किल भरा है, लेकिन आप मेहनत करके एक दिन में ही गुफा से दर्शन करके लौट सकते हैं। यदि जम्मू से बस या कैब से बालटाल जाते हैं तो लगभग 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू से पहलगाम जाते हैं तो आप 7 घंटे में पहलगाम पहुंच सकते हैं। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। यह रास्ता आसान है, लेकिन पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक 2 से 3 दिन लग जाते हैं। रास्ते में जगह जगह रुकने, खाने और सोने का इंतजाम रहता है। एक दिन में सिर्फ 10,000 यात्रियों को जाने की इजाज़त दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि इस साल कब से यात्रा की शुरुआत हो रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल यानी 2022 में 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये लगती है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक या यस बैंक की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाकर
कराया जा सकता है। आवेदक को इसके लिए अपना आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और सरकारी अस्पताल से बनाया गया हेल्थ सर्टिफिकेट देना होता है। रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उपलब्ध स्लॉट के हिसाब से यात्रा की तारीख मिल जाती है। इसकी डिटेल बैंक से मिलने वाली रसीद पर होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपके काम आएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर रखें। आपके द्वारा भी हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।